जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्ण ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, माता रानी के नवरात्रे आ रहे हैं, शुभ नवरात्रे आ रहे हैं। नवरात्रों की बात हो और अखंड ज्योति की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अखंड ज्योति हो या आप अखंड ज्योति नहीं जला रहे हैं और साधारण ज्योति जला रहे हैं, तो उसमें भी हमें क्या सावधानी रखनी है। और अगर हमारी अखंड ज्योति हमने लगाई है, बार बार बुझ जा रही है या गिर गई है, तो वो क्या संकेत देती है और हमें किस प्रकार उसकी देखभाल करनी है, उसे संभालना है, क्योंकि हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा फर्ज है। अगर हमने अखंड ज्योति जलाई है तो हम उसकी किस प्रकार देखभाल करें, उसे किस प्रकार संभालें, आज की वीडियो में समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज हम बात कर रहे हैं अखंड ज्योति की। माता रानी के नवरात्रे आए हैं, आप अखंड ज्योति जलाएंगे। माँ की ज्योति से नूर मिलता है, भूले हुए को शरूर मिलता है। जो भी आ जाता है माता के दर पर, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, जरूर मिलता है, क्योंकि इतनी दयावान है मेरी माता रानी। सबकी झोलियाँ भरने वाली हैं, सबके दुखड़े हरने वाली हैं। माँ, हम भी तेरी शरण में आए हैं, माँ हमारी भी अर्जी स्वीकार। अखंड ज्योति अगर आपने लगाई है तो अखंड ज्योति जलाने के बहुत नियम भी होते हैं। मैं पहले वीडियो बता चुकी, संक्षेप में बता देती हूँ जल्दी से कि अखंड ज्योति जलाने के नियम। यदि आपने अखंड ज्योति जलाई है तो स्पेशली आपने अगर जलाई है, पूरे घर में अगर कोई नहीं मान रहा है और आप अकेले नवरात्रे कर रहे हैं, कोई जेंट्स है या लेडीज जो भी करते हैं, तो अखंड ज्योति जिसने जलाई उसको विशेष नियमों का ध्यान रखना होता है। वो अपने जितने 9 दिन के व्रत करे या ना करे, सात्विक भोजन ग्रहण करे, झूठ चुगली बुराई निंदा किसी से भी ना करे, दिन में ना सोए, ज्योति को अकेला ना छोड़े, और यदि घर के और लोग कुछ भी खाने में सात्विक आपका ध्यान नहीं देते हैं या उनको ऐसा लगता है कि हमारे तो घर में जी प्याज लहसुन के बिना कोई मानेगा नहीं, तो आप अपने हाथों से ना पकाएं। और यदि आप अकेली हैं और आप अखंड ज्योति भी रखना चाहती हैं और आपको लगता है मुझे भोजन भी पकाना है, तो आप अपना मुँह लपेट के पकाइए, या अगर संभव हो तो फिर आप अखंड ज्योति ना जलाएं। अगर आपको ऐसा लगता है मैं ऐसे मुंह लपेट के नहीं बना सकती, मैं ऐसे नहीं खिला सकती, लोग नहीं मानेंगे, घर में कलेश हो जाएगा, तो कभी भी घर में पूजा की वजह से अगर कलेश होता है तो वो पूजा निरर्थक चली जाती है, इस बात का आप ध्यान करें। उसका निवारण भी बता देती हूँ। अगर आपके अखंड ज्योति जलाने की इच्छा है लेकिन घर की तरफ से परेशानी है, आप नहीं जला सकते, आपको लगता है मैं हमेशा हर साल अखंड ज्योति जलाती थी, इस बार नवरात्रों में मुझे शायद पीरियड आ जाएंगे, मैं अखंड ज्योति की देखभाल नहीं कर पाऊंगी 4-5 दिन, या और भी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, या मुझे कहीं जाना पड़ सकता है, अगर इस तरह की कोई भी समस्या है तो पहले ही दिन अपने घर में आप फिर नियमित ज्योत बत्ती करते रहिए, जब तक माता रानी की इच्छा आप करते रहेंगे। शुद्ध घी 1 डिब्बे में, थोड़ी सी बत्तियां, और चाहे तो मिट्टी के कुछ दीपक या एक पीतल का दीपक मंदिर में रख कर आ जाइए, और अगर दीपक भी नहीं रखते हैं तो थोड़ा सा घी रख कर आ जाइए, क्योंकि जब मंदिर में तो अखंड ज्योति जलेगी जलेगी, वो घी आपका उस अखंड ज्योति में डल जाएगा, तो आपकी तरफ से भी वो अखंड ज्योति जल जाए, ये है उसका समाधान। अब आते हैं मेन बात पर कि अखंड ज्योति अगर आपकी बार बार बुझ जाती है तो आप क्या करें। अपने अखंड ज्योति जलाई, पूरी श्रद्धा और विश्वास से जलाई, प्रेम से जलाई, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए जलाई, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए जलाई, घर में खुशहाली के लिए जलाई, लेकिन अखंड ज्योति बुझ गई। ऐसा होता है अगर अखंड ज्योति आपकी आपने बहुत सावधानी से रखी है, ऊपर हवा भी नहीं चल रही, आपने बहुत मन से भी बनाई, लेकिन फिर भी अखंड ज्योति बुझ गई या गिर गई, अगर वो लापरवाही से हो गया तो ये गलती माफी योग्य है। लेकिन अगर आपकी ज्योति बार बार बुझ रही है तो कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर नेगेटिविटी है, या जहां आप पूजा कर रहे हैं उस पूजा स्थल पर नेगेटिविटी है, उस घर में इतनी नेगेटिविटी है कि ज्योत ईश्वर को स्वीकार हो ही नहीं पा रही। माता रानी की इच्छा के बिना तो कोई उनका नाम भी नहीं ले सकता है, ज्योत चलाना बहुत दूर की बात है। और अगर ऐसा ज्योति हो रही है तो सर्वप्रथम माता रानी से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करें कि ये माता रानी, जो भी गलती हुई है, भूल हुई है, अपराध हुए हैं, हमसे क्षमा कीजिए, हमारी ज्योति को स्वीकार कीजिए। ऐसे मन में भाव लेकर पहले दिन ज्योति जलाएं तो बुझेगी भी नहीं, मैं आपको बता रही हूँ सच्ची बात, तो वो बुझेगी भी नहीं। जब आप ज्योति लगाएं तो ज़रूर माता रानी से कहना, माता रानी इस ज्योति की देखभाल करना भी आपका ही फर्ज है, आप मुझे इतनी हिम्मत इतनी ताकत देना कि ये ज्योति बुझे ना। फिर भी अगर आपकी ज्योति बुझती है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अन्य अखंड ज्योति जलाई, और जब भी आप अपनी ज्योति को ठीक करेंगे, ज्योति के ऊपर एक फूल भी आता है, उसके ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाने वाली हूँ, लेकिन फिलहाल बताती हूँ कि आपको ज्योति ऊपर भी करनी पड़ती है, बत्ती जो है वो ऊपर भी करनी पड़ती है। आपको डर लगता है कि जब हम बत्ती को ऊपर करते हैं तब हमारी ज्योत बुझती है, उसका भी तरीका बताती हूँ कि आप सबसे पहले एक ना
दीपक जो आप या अखंड ज्योति के साथ एक दीपक तो जलाते हैं, वो दीपक को अपना साफ ऑफ करके और उस दीपक में एक बाती लगाइए और जो ज्योति जल रही है, घी बाती लगा ली, जो ज्योति जल रही है उसी ज्योति से उस दीपक को प्रज्वलित करिए, उसके ऊपर रोली अक्षत छिड़किए और उसे उसके प्रतिनिधि के रूप में वहीं पास में रख लीजिए। छोटा दीपक उसी ज्योति से जलाकर पहले पास में रख लीजिए, फिर आप अपनी अखंड ज्योति को ठीक करिए। अखंड ज्योति को ठीक करने का तरीका जो है, चिमटी आपने ली है, मैंने पहले बताई थी, एक चिमटी ज़रूर ले आना, पूजा के सामान की दुकान पर मिलती है, ज्योति ऊपर करने वाली चिमटी आती है। तो आपको ना, जैसे आपकी ये ज्योति जल रही है, ये ज्योति जल रही है, उससे थोड़ा नीचे वाली जगह पर, यहाँ से आप अपनी चिमटी से ज्योति को धीरे धीरे ऊपर करेंगे। यहाँ से जलने वाली जगह को टच मत करिएगा, नीचे से यहाँ से अगर आप ऊपर करेंगे वो ज्योति धीरे धीरे ऊपर हो जाती है, बत्ती जो है वो आपके ऊपर हो जाएगी, फिर वो बुझेगी नहीं। और 1% आप ऊपर कर रहे हैं और उस दौरान, क्योंकि एक तो आपको ध्यान रखना है, जब ज्योति जलते जलते जो बत्ती होती है बिल्कुल दीपक के किनारे में पहुंच जाती है, तब उसको उठाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आप थोड़ा इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मुझे थोड़ा पहले से ही उसको उठा देना है, जब वो थोड़ी कम हो तो आपको वहां से उसको उठा के ऊपर करेंगे तो बुझेगी नहीं। 1% अगर बुझ गई तो जो दीपक आपने जलाया है, सावधानी से आप उस बत्ती को ऊपर कर लीजिए, लेकिन उस दीपक को वहां से नहीं हटाना जो आपका अखंड ज्योति का दीपक है, उसे नहीं हटाना। तो वहीं बत्ती को बुझ गई तो कोई बात नहीं, आप उससे चिमटी से उसको अच्छे से ऊपर करिए, घी भी चेक करिए, और जो दीपक आपने प्रतिनिधि के रूप में रखा हुआ है उस दीपक से आप उस बत्ती की लो फिर जला दीजिए, आपकी अखंड ज्योति खंडित नहीं होगी, बिल्कुल खंडित नहीं होगी। सिर ढाँप के आप करेंगे, हाथ मुंह धोकर आप करेंगे, ये आप पहले से जानते भी हैं और हमेशा से करते आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते आए तो समझ लीजिए, अखंड ज्योति के दीपक को जब भी आप घी लगाएं उसमें या उसकी बत्ती को ऊपर उठाएं तो आप सिर ढाँप के हाथ मुंह धोकर कुल्ला करके तभी आप मंदिर में प्रवेश करें और उस ज्योति को ऊपर उठाएं। तो इस प्रकार निवारण है कि प्रतिनिधि दीपक आपको जलाना है, वो दीपक फिर जलता रहेगा, अखंड ज्योति के साथ वो दीपक जो आपने जलाया ना वो जलता रहेगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक दीपक जरूर बराबर में जला लें और संभवतः ये प्रयास करें, चाहे आप उसे उस रूम में पंखा ना चलाएं, क्योंकि शारदीय नवरात्रों में वैसे उतनी ठंड नहीं होती, थोड़ी थोड़ी गर्मी होती ही होती है, तो अगर आपको पंखा चलाना है तो एक कांच की वो आती है चिमनी, चिमनी बोलते हैं उसे, तो दीपक के ऊपर आ जाती है। और दीपक ढक्कन वाले भी आते हैं आजकल, जिसमें ओम या सत्य बने रहते हैं ढक्कन में, तो उसमें से ज्योति का प्रकाश भी निकलता रहता है और हल्की हल्की हवा भी जाती रहती है, उससे ज्योति बुझती भी नहीं है। तो इस तरह से करके आप अपनी ज्योति को बढ़िया तरीके से, अखंड ज्योति को पूरे 9 दिन चला सकते हैं। पिछली बार जब अखंड ज्योति की वीडियो बनाई थी तो बच्चों के कमेंट आए थे, हमने तो उसमें हमारे पूरे 9 दिन में 1 किलो घी लग गया और इतना हमने जलाया, ऐसा नहीं होता। दीपक है जो मैंने आपको दीपक दिखाया भी था, आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर आ जाएगा, सेम वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो इतना नहीं लगता, आपका जो दीपक है उसमें आपने जितना भर दिया वो दीपक पूरा, हमारा तो पूरा 24 घंटे चलता है, मतलब सुबह शाम पूरा, अगले दिन पूजा करते हैं सुबह शाम को भी हमें नहीं डालना पड़ता, अगले दिन सुबह ही हम दीपक जिस समय पूजा करते हैं तभी उसमें दीपक में घी लगाते हैं। तो इस तरह से करिए थोड़ा। और बत्ती बहुत लोग इतनी मोटी मोटी बना देते हैं, बत्ती इतनी मोटी नहीं बनानी, पतली बत्ती बनानी है, एक हाथ की बत्ती बनती है वो पूरे 9 दिन, हाँ बत्ती भी नहीं खत्म होगी आपकी पूरी, इस फिंगर से लेकर रुई नाप कर एक हाथ की बाती पूरी, यहाँ तक एक हाथ की बाती आप बनाएंगे तो एक हाथ की बाती पूरे 9 दिन खूब आराम से चलती है, खत्म भी नहीं होती। तो इसलिए इस तरह से करें, शुद्ध घी जिसकी की आप दीपक बाती बना जोत जलाने वाले हैं उसको बार बार अपने किचन से लाएं और ले जाएं नहीं, वो घी उतना ही आपको पता होना चाहिए कितना लगेगा, उतनी क्वांटिटी का घी आपके घर के मंदिर में होना चाहिए, वो मंदिर में से घी खत्म ना। और 1% खत्म भी होता है तो वो घी का पात्र में और घी लाकर डाल लीजिए, दूसरा पात्र मत रखिए, उसी पात्र में घी डालिए। ये बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हैं जो मुझे लग रहा था कि क्वेश्चंस आएंगे तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो ये था अखंड ज्योति जलाने के कुछ नियम भी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिए, फिर अगर बुझे तो भी अगर क्या संकेत देते हैं उस संकेत को, हाँ अगर ये संकेत जो मैंने पहले बताया था कि भाई अगर बार बार बुझती है, गिरती है, नेगेटिविटी है, तो उसके लिए आप लोबान की धुनी अपने घर में प्रतिदिन दीजिए, शाम को कपूर और लौंग की दे देंगे माता रानी के नवरात्रे, लोबान थोड़ा सा डाल ली तो नेगेटिविटी जो है दूर हो जाएगी, अपने अंदर से नेगेटिविटी खुद दूर कीजिए, माता रानी के नाम के जयकारे लगाते रहिए, माता रानी के नाम पर सब कुछ आपने छोड़ दिया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में, इस तरह से माता रानी से कहकर कार्य को प्रारंभ कीजिए, सब शुभ ही शुभ होगा, सब मंगल ही मंगल होगा। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए,
कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा लगाना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करें।